एक साधारण शब्द में कहा जाए तो भारत में शादी दो तरह की होती है। एक पुरानी रीति रिवाज से चलती आ रही जो हमारे बुजुर्ग लोग कई सदियों से करते आ रहे हैं। दूसरा ये है कि भारत के कानूनी नियम से शादी करना। इन दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कोर्ट मैरिज क्या है और कोर्ट मैरिज कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शादी एक ऐसी चीज है जो अपने मानव जीवन में बहुत महत्व रखती है। पहले के समय में भारत के लोग कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, तो उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं था। वो अपने माता पिता की सहमति से ही शादी करते थे। लेकिन अब जमाना पूरी तरह से चेंज हो गया है। पढ़े लिखे लोग बिना किसी झंझट के और अपने मनपसंद कानूनी तरीके से शादी करना चाहते हैं, पर उनके कभी कभी सामने ऐसी परेशानी आ जाती है जिसे वो घबरा जाते हैं। और वो जिस लड़की या लड़के से शादी करने का जो सपना होता है वो सपना ही रह जाता है। अब हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज क्या है। कोई भी लड़का और लड़की आपस में प्यार करते हैं और जीवन साथी बनना चाहते हैं, भले ही वो किसी भी जाति या फिर किसी भी धर्म का हो। किसी दो व्यक्ति को गवाह बनाकर कानूनी तरीके से शादी करते हैं तो उसे कोर्ट मैरिज कहा जाता है। यानी सीधी देसी भाषा में कहा जाए तो एक कानून के दायरे में रहकर पति पत्नी बनते हैं तो उसे कोर्ट मैरिज कहते हैं। अब हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज कैसे करें। कोर्ट मैरिज का प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं है। अगर आप कानूनी कार्यवाही पूरी करते हैं तो कुछ ही घंटों में आपको कोर्ट मैरिज का पर्चा मिल जाएगी, वो भी मुहर लग जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो शादी करने वाले और शादी करवाने वाले दोनों के सामने समस्या खड़ी हो सकती है। कोर्ट मैरिज करने वाले लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। कोर्ट मैरिज करने वाली लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जो लड़का या लड़की कोर्ट मैरिज करना चाहता है उनकी पहले से कोई शादी नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा शादी करना चाहते हैं तो उनका ठोस परिणाम होना चाहिए। जैसे किसी बीमारी से पति या पत्नी की मौत हो जाती है तो इस हालत में दोबारा कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। लड़का और लड़की दोनों मानसिक रूप से सही होना चाहिए। जो लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उनका आपस में पारिवारिक रिश्ता नहीं होना चाहिए। जैसे भाई बहन, मामा भांजी, चाचा भतीजी, इस प्रकार का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों आपस में सहमति होनी चाहिए। दो व्यक्ति लड़की की तरफ से, दो व्यक्ति लड़के की तरफ से गवाह होना जरूरी है। जिस व्यक्ति को गवाह बना रहे हैं उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जिस व्यक्ति को गवाह बना रहे हैं वो कम से कम 1 साल से आपको जानता हो। ऐसा नहीं है कि किसी को रोड से पकड़कर पैसा देकर गवाह बना दिया। भारत के जिस भी शहर में शादी करते हैं तो शादी के 1.5 से 30 तक उस शहर में निवास होना भी जरूरी है। अब हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज के लिए जरूरी दस्तावेज यानी जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होनी चाहिए। कोर्ट मैरिज करने वाले जोड़े के आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, इन दोनों में से एक किसी को भी दे सकते हैं। कोर्ट मैरिज करने वाले जोड़े के पासपोर्ट साइज फ़ोटो 6x6 यानी 6 लड़के के और 6 लड़की की होनी चाहिए। माता पिता की सहमति पत्र होना चाहिए जिस पर उनके सिग्नेचर होनी चाहिए। गवाह का पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, इनमें से कोई भी दे सकते हैं। लड़के और लड़की की स्कूल की दस्तावेज यानी स्कूल की सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ होना अनिवार्य है। जज के सामने दोनों की सिग्नेचर सहमति से होनी चाहिए। लड़का या लड़की विदेश से है तो NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज के लिए कानूनी प्रक्रिया यानी लीगल प्रोसेस क्या है। कोर्ट मैरिज का प्रोसेस सिर्फ 30 दिनों का होता है। 30 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन इनमें भी कुछ नियम है। एक प्रेमी जोड़े को जानना बेहद जरूरी होता है। आप जिस भी कोर्ट में शादी करते हैं उसमें एक नोटिस बोर्ड चिपकाया जाएगा जिसमें आपका नाम एड्रेस होगा। लड़का और लड़की जज के सामने सहमति पत्र पर सिग्नेचर करेंगे और उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं या कोई जोर जबरदस्ती है। ऐसे में लड़की और लड़के दोनों बोलते हैं कि अपने सहमति से शादी कर रहे हैं तो शादी होगी, अन्यथा रद्द हो जाएगी। अगर कोई परिवार वाले इसे सहमति नहीं है तो 30 दिन से पहले कोर्ट जाकर वो याचिका लगा सकते हैं। याचिका अगर ठोस होती है तो शादी 30 दिन के अंदर रद्द हो सकती है। अगर कोई खास आपत्ति नहीं है तो प्रोसेस जारी रहेगा। कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, बिना जाए आप शादी नहीं कर सकते। जब आप शादी के लिए अर्जी लगते हैं उस तारीख से अगले 3 महीने तक आप हाजिर नहीं होते हैं
तो आपकी अर्जी रद्द कर दी जाएगी। शादी होने के अगले 30 दिनों तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो आपको शादी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोर्ट मैरिज क्या है, कोर्ट मैरिज कैसे करें, कोर्ट मैरिज करने के नियम क्या क्या है, कोर्ट मैरिज करने के लिए जरूरी दस्तावेज यानी जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होनी चाहिए और कोर्ट मैरिज के लीगल प्रोसेस क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।